गोरा के शो बिना तकल्लुफ में महलीमा सादिया आपको खुश आमदद कहती हूं चलिए आखिर में अपने होमलैंड की बात कर लेते हैं यानी कनाडा के 2024 के बजट के हवाले से इस बजट पर आपका तब्सरा प्लीज कीजिए जी देखिए ये बजट हमारे कनाडा का आया है 2024 का और बजट चूंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की और इसलिए कायम है कि वो कुलशन की दिया हुआ है मिस्टर जगमीत सिंह ने अब ये दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे हैं जगमीत सिंह को पता है कि वो अगला इलेक्शन वो शायद इससे भी कम सीटें आई जितनी एन के पास हैं और इस वक्त के जो पोल्स बताते हैं वो यही हैं कि लिबरल की जो है सीटें बहुत कम आएंगी अगर आज इलेक्शन हो जाए तो बजट एक बड़ा सेंसिटिव होता है माइनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए और कनाडा में तो खास तौर पर अगर बजट आए माइनॉरिटी गवर्नमेंट का और वो बजट पास ना हो सके पार्लियामेंट से तो सरकार गिर जाती है जैसा हमने 2021 के मामले में देखा कि 2019 की सरकार बनी थी 2021 में बजट आया बजट पार्लियामेंट में मंजूर ना हो सका इलेक्शन 2021 हजार इक्कीस अक्टूबर में कॉल कर दिए गए अब चूंकि कोलिशन है तो प्राइम मिनिस्टर टूडो फील करते हैं कि भाई हम सेफ हैं इलेक्शन 2025 में ही होंगे सरकार नहीं गिरेगी अब जगमीत सिंह ने कह तो दिया कि बजट के, के हवाले से हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो भी जगमीत सिंह का एक हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट है आ, वो कह तो दिया उसने लेकिन आई डाउट वोट देगी उसकी पार्टी अगर इसके खिलाफ वोट देगी पार्लियामेंट में तो फिर तो ये सरकार गिर जाएगी और इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे इसी साल लेकिन अगर उसने सिर्फ तनकीद ही की जगबीर ने जैसा कि मुझे लगता है वो सिर्फ तनकीद ही करेगा क्योंकि उसको पता है अगर इस साल इलेक्शन हुए तो बोरिया बिस्तर दोनों पार्टियों का गोल हो जाएगा तो यू नेवर नो आल दो इन पॉलिटिक्स अगर तो फर्ज कीजिए उसने कह दिया कि भाई मैं इसके खिलाफ वोट देता हूँ बजट के सरकार गिर जाएगी और जिसका चांस बहुत कम है कंजरवेटिव ऑफकोर्स इस बजट के हक हाँ में नहीं है और इस बार ब्लॉक क्यूबिकॉज ने जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है जिनके सारे लोग क्यूबैक से ही आते हैं एम उसने भी मुखालफत की है लेकिन वो दोनों पार्टियां मिल के सरकार नहीं करा सकती जब तक जगमीत अपना वोट उसके खिलाफ नहीं डालेगा अब हम बजट की तरफ देखते हैं इस बजट में है क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कैनेडा में हाउसिंग क्राइसिस है बहुत ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस में मतलब uh, uh, आसमान को छू रही है प्राइसेस फिर डबल uh, से ट्रिपल हो गई थी प्राइसेस अभी तीन साल पहले दो साल से जब से कनाडा में uh, इंटरेस्ट रेट मॉडगेज का बड़ा है वो स्काई रॉकेटिंग हो गया तो हाउसिंग प्राइसेस बहुत नीचे तो गई थोड़ी सी नीचे गई हैं ऊपर नहीं जा रही उसमें फिर हर चीज ही बढ़ गई है ना हर चीज बढ़ी है ग्रोशरीज का आप देख लीजिए कि वो डबल से ज्यादा तीन गुना रेट हो चुका है आप ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के कितने ज़्यादा वो हो गए हैं यानी लाइफ जनरली फ़ीस आप बच्चों की देख लीजिए वो बच्चे जो बहुत हार्ड वर्क करके अपनी फीसज दे के पढ़ते थे अब उनके लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल है वो पूरे का पूरा जो साइकिल ऑफ इमिग्रेंट स्टूडेंट्स है वो उसकी हालात देख लीजिए ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त जो कि यहाँ पे फेस करने हैं और फिर उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि इंडिजनस लोगों का तो किस्सा हमेशा से ही आ, बहुत वो शुक्र है कि अब कुछ सूरत हाल उसके सिलसिले में भी चेंज है उसको भी एड्रेस किया गया है बहुत ज़्यादा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें तो जनरली मैं समझती हूँ कि ये सब इश्यूज हाईलाइटेड हैं इनको एड्रेस करने की कोशिश की है लेकिन अब ये क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताया जी एक तो आने वाला वक्त बताएगा आपने कुछ कुछ इश्यूज़ की तरफ बात की जिस जिनको इस बजट में एड्रेस किया गया मैं उस पर थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगा मैं भी हाउसिंग क्राइसिस की बात कर रहा था फिर उसके साथ महंगाई बढ़ गई ग्रॉसरी बढ़ गई अब इस बजट में भी उन चीज़ों को एड्रेस करने की बात की गई है ये एक रूटीन की बातें होती हैं कि जी अफोर्डेबल ग्रॉसरी होगी अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में होगी कि नहीं होगी फिर वो जी हम आ, जो है लोअर बैंकिंग फीस कर देंगे फिनंस के बेहतर कर देंगे आई डाउट ये सारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना ये रूटीन के होते हैं आपने इंडिजीनियस आ, पीपल्स की बात की एडवांसिंग इंडिजीनियस सेल्फ डिटर्मिनेशन की बजट में बात की गई है इकोनॉमिक रिकनसीलियशन की बात की गई है सेफ इंडिजिनियस इंडिजीनियस कम्यूनिटीज की बात की गई है यह कोई नई बातें नहीं है यह हर सरकार करती है और इस पर कितना अमल हो पाता है ये बात की बातें हैं फिर ये जो प्रोटेक्टिंग कैनेडियंस एट होम एंड एब्रॉड उसके लिए बजट में कितना पैसा होगा इकनॉमिक सिक्योरिटी फॉर कैनेडा और उसके इलाज के लिए कितना है जाहिर तो इस इस है इसमें युग जुग रहना तो बहुत ज़्यादा रहे हैं ना? तो बहरहाल इस बजट में जो मोटी मोटी बातें हैं वो हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व करने की हैं चाइल्ड केयर की जो उनके हैं सेंटर्स हैं उनकी बातें हैं फिर ग्रॉसरीज और इकनॉमिक ग्रोथ की बातें हैं मुझे इस बजट में एक इंपॉर्टेंट बात जो गवर्नमेंट कह रही है वो ये है कि यूथ के लिए और नई नस्ल के लिए उनका जोर है वो उस पर है अदरवाइज मुझे इस बजट में कोई ऐसी ख़ास बात नज़र नहीं आती कि ये पिछले सालों से कोई मुख्तलिफ बजट हो आज का बिला तकल्फ़ शो मेरे और ताहिर असलम गोरा के साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रीआन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.